Hey guys, good morning everyone. So I'm coming up with this next lesson in NEET chemistry. As I have already promised ki I will be discussing some more important questions starting from the very basic. So har ek chapter mein se hamare paas kam se kam 3 videos aayenge jisme hum log 36 questions, anything between 32 36 questions हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, सो ऑलरेडी एक बोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. सो आपका नीट का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हमारे पास बोल्ड कॉन्सेप्ट तो है ही, बट उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके, so every alternate day you're going to get one video and every alternate day live streaming, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के back exercise के questions. but before that क्या करना है आपने भाई साहब, आप लोगों ने app को download करना है. कौन सी app? Google Play Store पे जाएंगे आप और आपके पास जो app है, that is Shelley's Chemistry, इस app को आप download करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास सैंपल पेपर्स आ गए हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस और नीट का एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 26th ऑफ जनवरी. ठीक है, नीट का एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेट अस सी व्हाट ऑल डू वी हैव इन दिस. क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और शेलीज केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज को आपने देखना है कि कौन कौन से कोर्सेज प्रेजेंट हैं. तो तीन कोर्सेज जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग इज एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चंस, 12th के क्वेश्चंस हैं ये, पूरा एनसीईआरटी का आपका बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करे हुए हैं. राइट, सो अप टिल सर्फेस केमिस्ट्री ऑलरेडी अपलोडेड और बाकी के भी सारे विल बी अपलोडेड इन अ कपल ऑफ डेज. सो इसको आप करो सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पूरे पूरे कोर्स के सैंपल पेपर्स. 10 सैंपल पेपर्स हैं इसमें, राइट. हर एक सैंपल पेपर आपको मंडे को आ जाता है, वन सैंपल पेपर दैट इज एडेड एवरी वीक. सो टू सैंपल पेपर्स ऑलरेडी एडेड, द थर्ड दैट विल कम दिस मंडे. So you have to go through the sample papers. ये आपके according to new course है, जो कि नया course हमारा आया है for 2021. नया जो pattern आया है 2021 का, उसके basis पे है. इन questions को solve करो, definitely ये help करेंगे. इसमें assertion reason वाले questions भी हैं आपके पास, इसमें आपके पास well you can say multiple choice questions भी हैं और comprehension type questions भी हैं, same pattern जैसे कि आपका 2021 के लिए आया है, right. and then this course NEET का crash course live classes 26 से start हो रहे हैं, Monday to Friday you will have classes at 7 to 8 in the evening, जिसमें आपके पास live sessions हैं, notes हैं, question bank है और doubt removal sessions हैं. so ये आपको completely prepare करता है for your NEET. ओके, सो ऐप डाउनलोड करो. कोई डाउट है आप चैट कर सकते हो मेरे साथ डायरेक्टली, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. कोई डाउट है आप उस पर डाल सकते हो, चैट पे डाल सकते हो. बैचेस क्रिएट हो रहे हैं इसके, नीट क्रैश कोर्स के. सो क्विकली गाइज एनरोल फॉर दिस कोर्स. सो लेट्स गो ऑन टू आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे आपने सॉल्व करने हैं. वी आर गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन इज 27 grams of aluminium will react with how many grams of oxygen? ठीक है, बहुत सिंपल. आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले हम लोग डालेंगे. सो बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 4Al plus 3O2 is going to give us 2Al2O3. राइट, रेशियो देखो 4:3 की आ रही है. So 27 grams, कितने grams of oxygen के साथ react कर रहा है? 4 into 27 is reacting with 3 into 32. ठीक है, so 27 grams will react with 3 into 32 upon 4.
4 8s are 8 3s are 24. So what is going to be the answer over here? D. Very easy, right? So 27 grams of aluminium will react with how many grams of oxygen? It is going to react with 24 grams of oxygen. Simple question. Question number two. A compound was found to contain nitrogen oxygen in the ratio 28:80. Formula of the compound. ये भी बहुत आसान है. आपको number of moles find करो nitrogen के, तो कितने आ जाएंगे? 28 by its atomic weight, which is 14. ठीक है, so ये आ गया आपके पास 2. और number of moles of oxygen आप कैसे find करोगे? 80 divided by its atomic weight, which is equal to 5. What is the ratio we are getting? 2:5. So what should be the formula? N2O5. Again, a very, very easy question. C, that is the correct option. Theek hai? Let us go on to question number 3. Largest number of molecules is in what? Beta, ye wale jo questions hote hai na, beta. To isme aapne bachche kya karna hai ki calculations nahi karne. सिर्फ आप इसका एक्सप्रेशन लिखो और फिर मैनिपुलेट करो. लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है एन नॉट. ठीक, सो 36 ग्राम्स में रेशियो अगर आप लेते हो 1:2 की रेशियो आ गई, राइट? सो 18 ग्राम्स में इट इज एन नॉट, और 36 ग्राम्स में इंटू 36, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 18 2s are 36, 2 n0. तो इतने वाटर में मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है. उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. सो 28 कार्बन मोनोक्साइड का मोलर मास इज ऑल्सो 28 ना, 12 + 16 = 28. सो 28 ग्राम्स में आपके पास कितने प्रेजेंट होंगे? n0 3. 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH का मोलर मास भी 46 ही आएगा. 2 12s are 24, 24 or 6, 30 and 16 is 46. So 46 grams of ethyl alcohol may be kitne number of particles hoge? They are going to be N. Theek? Phir uske baad aapke paas aa jata hai 54 grams of nitrogen pentoxide. N2O5 is nitrogen pentoxide. Iska molar mass aap calculate karo kitna aa raha hai? 28 + 80. So that is going to be what? 108. Right? So ye half ho gaya. Half of N naught. So the question says largest number of molecules. You can compare isme 2 N naught, isme N naught, isme N naught, or isme half N naught. So the correct option over here, that is going to be A. Right? Let us go on to our next question. The total number of electrons in one molecule of carbon dioxide. अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल है. कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6. ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8. और O2 में कितने हो जाएंगे? 8 × 2 = 16 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं वन मॉलिक्यूल में. नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स कितने में होंगे? 16 + 6 = 6 and 6 is 12, 22. So how many electrons are going to be present? There are 22 electrons present in one molecule of carbon dioxide. Okay, next. A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by weight. Therefore, the ratio of the number of molecules you have to see. Okay, so let's calculate the number of moles first. So number of moles of nitrogen aapke paas kya aa gaya? 1:4 diya hua hai. तो आपके पास आ गया 1 / 28. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना आ गया? दैट इज कमिंग एज 4 / 32. सो ये आ जाता है 1:8. 4 1s are 4 and 8. सो रेशियो आप देखो इसकी कितनी है, 1:8 नंबर ऑफ मोल्स, और इसपे कितने है 1:28 नंबर ऑफ मोल्स, और इसपे कितने हैं 1:8.
ठीक है. नाउ ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. सो गैशियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन इन रेशियो 1:4 बाय वेट. देयरफॉर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव टू फाइंड. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आप जब फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? वेरी सिंपल, द आंसर ओवर हियर दैट विल कम टू 7/32. ठीक है, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो यहां पे इतनी आ गई 1/28. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 28 में इतने प्रेजेंट हैं, तो उसमें कितने प्रेजेंट होंगे? इफ यू वांट टू डू द कंप्लीट 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इज 6.02 × 10^23. ठीक, सो 1 ग्राम में कितने हो गए? 6.02 × 10^23 डिवाइडेड बाय 28. उसी तरह से आप ऑक्सीजन में भी फाइंड कर सकते हो. ऑक्सीजन में आपके पास क्या आ जाएंगे? 32 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट है? 6.02 × 10^23. 4 ग्राम्स में कितने प्रेजेंट हो जाएंगे? 6.02 × 10^23 अपॉन 32 × 4. ठीक है, सो व्हेन यू विल टेक आउट द रेशियो ओवर हियर, द रेशियो विल कम टू 7:32. 4 8 4 7 28 आ गया ना यहां पे, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी? 7:32. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. 2.76 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रॉन्गली हीटेड यील्ड्स अ रेसिड्यू वेइंग व्हाट? तो इसके लिए यू विल हैव टू डू द रिएक्शन फर्स्ट. Ag2CO3, दिस इज गोइंग टू गिव अस Ag2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज योर बैलेंस्ड रेसिड्यू. आपके पास सिल्वर ऑक्साइड का यहां पे बनेगा. इसको आप स्टोकियोमेट्री से कर सकते हो. लेट्स कैलक्यूलेट द मोलर मास ऑफ Ag2CO3 प्लस फर्स्ट. सो 108 × 2 प्लस 12 प्लस 3 × 16 इज 48. तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाता है. 2 8 16 एंड 2 1 2, 216 प्लस 12 प्लस 48 which comes to 8 and 2, 10, 10 and 6 is 16, 4, 5, 6, 7, 276. So 276 is giving us how much? Iska molar mass calculate kar lete hain. 108 into 2 plus 16. So 216 plus 16, which is equal to 6 and 6 is 12, 232. तो 276 अगर आपको 232 दे रहा है तो 2.76 कितना देगा? 2.32 ग्राम्स. वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू K2MnO4 इज व्हाट? नाउ ओवर हियर यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. ठीक, तो हम ले रहे हैं यहां पे KMnO4 डिसोसिएट होगा एज के पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे प्लस 7 आ गई. K2MnO4 विल डिसोसिएट एज 2K पॉजिटिव प्लस MnO4 2 नेगेटिव. ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे कितनी आ जाएगी? 4 2 6. हाउ मच? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? यहां पे आपके पास प्लस 7 आ रही है, तो यहां पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम टू प्लस 7 प्लस 8 सॉरी प्लस 6 प्लस 6 आएगी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपके पास यहां पे कितने हो गए? प्लस 7, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. सो अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है देन द मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी इक्वल टू सेम, बिकॉज इक्विवेलेंट मास आपको यहां पे कैलकुलेट करना है. इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर.
So as n is equal to 1 over here, therefore equivalent weight will become equal to molecular weight. Aise questions aapko kafi common hai guys. Let's go on to the next one. Oxidation number of carbon in CH2O. Aray, ye toh bahut asaan hai. CH2O. Iska humne x le lete. Ye humare paas plus 2 aa gaya. Ye humare paas minus 2 aa gaya. Minus 2 which is equal to 0. तो ये और ये हो गए कैंसिल. तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे? जीरो. ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी जीरो. नेक्स्ट पे चलते हैं. अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स वन मोल ऑफ अ सॉल्यूटेन. मोलालिटी की क्या डेफिनेशन होती है? 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट है ना. मोलालिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट गिवन इन ग्राम्स. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर? 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट. Question number 11. The brown ring complex formed is formulated as FeH2O5NOSO4. Oxidation state of iron aapne yahan pe find karni hai. So oxidation state of iron yahan pe kitni ho jayegi? 3. Kaise? X le liya aapne. Let us take the formula FeH2O5NO. Nitrosyl liya hua hai. 2 aayegi. SO4. SO4 की 2 नेगेटिव होएगी ना. 2 नेगेटिव. तो इसको अगर आप x ले रहे हो, ये भी 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी 0 है. x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. सो करेक्ट ऑप्शन यहां पे बी. दीज आर द इजियर क्वेश्चंस आई एम टेकिंग. नेक्स्ट वाले में आई एम गोइंग टू टेक स्लाइटली डिफिकल्ट वंस. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू. So, इसमें आपने हाफ का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हैज टू बी 2. ठीक. सबसे पहले हम लोग MnSO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. सो दैट इज प्लस 2, राइट. अब आपने देखना है कि किसमें प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है. इसमें तो नहीं आ रही. यस, इसमें आ रही है प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो योर सर्च फिनिशेज ओवर हियर. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो जाएगा? 2. Correct option over here, that is going to be MnO2. In which mode of expression the concentration of a solution remains independent of temperature? Kisme temperature ke upar depend nahi karega? Molality, because molality bhi volume ke upar depend kar rahi hai. Normality bhi volume ke upar depend kar rahi hai. Formality bhi volume ke upar depend kar rahi hai. Molality jo hai wo weight ke upar depend kar rahi hai. Kyunki wo weight ke upar depend kar rahi hai, isiliye there is going to be, it is going to be independent of temperature. Oxidation number of phosphorus. Okay, let's see. BaH2PO2 whole twice. This is going to dissociate as Ba2 positive plus 2H2PO2 negative. तो H2PO2 में अब हमको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है. ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट. सो ये आ गया एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस विल बिकम इक्वल टू प्लस 1. सो सी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन. Right guys, so these are 14 questions which I have done in today's class. Abhi next class mein bhi hum log some basic concepts of chemistry ke next 10 questions karenge. Isi tarah ke questions aur isse high level ke questions, har ek question jo pichle 10 saal mein NEET mein aaya hua hai, wo all I am going to discuss in my course of NEET. Jo live classes hum log karenge, usme hum ye sare kar rahe hain. Iske ilawa 3000 questions ka question bank bhi aapko usme milega, so that क्योंकि नीट के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट. सो गो टू द ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड द ऐप एंड एनरोल फॉर द कोर्स. क्लासेस आर स्टार्टिंग ऑन द 26th, सो डोंट बी लेट. ओनली 25 सीट्स आई एम गोइंग टू टेक. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.